अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मीस किचन। आज मैं बनाऊंगी मसाला डोसा कोकोनट चटनी के साथ। मसाला डोसा विद कोकोनट चटनी की रेसिपी 3 पार्ट्स में है, मुकम्मल वीडियो देखेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 1 कप चावल, 2 टेबलस्पून चना दाल, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून माश की दाल। इन सबको मैं अच्छी तरह से धोकर ओवरनाइट के लिए भिगो दूंगी। इन सबको मैं मिक्स करके पकाऊंगी। आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी भिगो सकते हैं। ओवरनाइट जो मैंने ये दाल और चावल भिगोए थे, इसको मैं अब ग्राइंड कर लूंगी। फूड प्रोसेसर में डालूंगी दाल और चावल को। दाल और चावल मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। जिसमें मैं जिस पानी में मैंने दाल और चावल भिगोए थे, इसका पानी मैंने फेंका नहीं है। यही हमें इसको ग्राइंडर करने में पानी इस्तेमाल करेंगे। सारा नहीं डालना है, जितना जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। तो चलिए, हम दाल और चावल को ग्राइंड करती हूँ। पहले मैं इसको बगैर पानी के ग्राइंड करूँगी, बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए, मैंने दाल और चावल को जो ग्राइंड किया था, ये अभी पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है, ये अभी दाने दाने हैं। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको और स्मूथ इसका बैटर बनाऊंगी। इसमें मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने इनको भिगोया था। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम। इसको दोबारा से मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से इसका ये बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूद है ये। इसको मैं अब एक बॉल में निकाल लूँगी। ये देखें, बैटर ये कुछ इस तरह से बना है। इसमें मैं अब नमक डालूंगी, हसबे जायका, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं प्लेट रख कर इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी गर्म गर्म जगह पर। अगर आपको ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको 10 से 12 घंटे के लिए भी एक गर्म जगह पर प्लेट ढक के रख सकते हैं। ये देखें, इस तरह की प्लेट ले लें, इसको इसके ऊपर ढक दें अच्छी तरह से, ये कवर हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी। कोकोनट चटनी बनाने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने 1 अदद कोकोनट लिया है, ये फ्रेश है, इसको मैंने तोड़ लिया है। 1 अदद हरी मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून इमली सीडलेस, 1 टीस्पून रोस्टेड चने, 1/2 कप धनिया, इसको मैंने धोकर काट लिया है, नमक हसबे जायका और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। मैंने ये एक पैन लिया है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। ये गर्म होगा तो इसमें मैं ये ग्रीन चिली डाल दूंगी। इसको हमने रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है इसको रोस्ट। ये देखें, हल्की सी ये रोस्ट हो गई है, हमने सिर्फ इसको कराना ही है। थोड़ा सा अपना ये कलर चेंज कर ले तो इसको हम उतार देंगे। बस ये देखें, हो गई है, इसको मैं अब उतार लूंगी। अब एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें मैं ये कोकोनट डालूंगी। अब ये इमली डालूंगी, नमक डालूंगी, सब चीजें एक साथ ही डाल देंगे, चने डालूंगी,
कोरिएंडर डालूंगी, ग्रीन चिली डालूंगी जो हमने रोस्ट की थी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको मैं ग्राइंड करूंगी। ये देखिए मैंने कोकोनट चटनी को ग्राइंड कर दिया है। आप कोकोनट को कद्दूकस करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर आया है। मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए थे, इसको मैंने काट लिया है और पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना हो। 1/2 कप धनिया, 1 अदद प्याज बड़े साइज का, इसको मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड यानी के राई, 3 अदद मैंने हरी मिर्ची लिए थी, इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। और 1 टीस्पून जिंजर, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और कुकिंग ऑयल चाहिएगा हमें तकरीबन 1/4 कप। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होगा, ऑयल को फुल गर्म करेंगे। इसमें मैं अब राई दाना डालूंगी, थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाए। देखिए मस्टर्ड सीड गर्म होने लगे हैं, जैसे ही हल्के से भून जाएंगे इसमें मैं ये अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। मैं ये पेस्ट डालूंगी, इसको भी थोड़ा सा भूने गया, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। साथ ही ये प्याज भी डाल दूंगी। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का से इसको इसका थोड़ा सा कलर बस चेंज करेंगे। प्याज बिल्कुल हल्का सा लाइट सा ब्राउन हुआ है, बिल्कुल इसने अपना कलर जस्ट हल्का सा चेंज किया है। इसके साथ इसमें मैं ये तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी, एक साथ ही मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना है। इसके बाद इसमें मैं ये आलू डालूंगी, मिक्स करेंगे।
आलू को हमने अच्छी तरह से गला लेना है। आलू को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसको हल्का सा फ्राई किया है। इसमें मैं अब पानी डाल दूंगी ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। ज्यादा नहीं आलू पानी डालेंगे हम, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। गैस की फ्लेम फुल है। मेरी रेसिपी को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर एंड तक आप नहीं देखेंगे तो आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स या फूड रेसिपी को आप मिस कर सकते हैं। लो फ्लेम पर रखकर मैं आलू को थोड़ी देर के लिए इसको पका लूंगी ताकि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। आलू तकरीबन गल चुके हैं, ये देखें। इसका हम फुल फ्लेम कर देंगे गैस की और साथ में ये धनिया भी डाल देंगे। मिक्स करूंगी और साथ साथ हम आलू को मैश भी करते जाएंगे। ज्यादा मैश नहीं करना है। हमने आलू का बिल्कुल पानी ड्राई कर देना है। आलू को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैश करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी बाइट आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। डोसे के लिए मसाला तैयार हो चुका है। देखें आलू बिल्कुल मैश हो चुके हैं। हल्की हल्की से मैंने उसकी बाइट भी रखी है। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। मसाला बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। डोसे का बैटर तैयार हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 7 घंटे तक रखा था प्लेट से ढककर। ये देखें इसका बैटर इस तरह से तैयार हुआ है। ये देखें ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा ठीक है। तो चलें इसका मैं डोसे बनाने की तैयारी करते हैं। डोसा बनाने के लिए एक तवा लूंगी, फ्लेम ऑन कर दूंगी। तवे को फुल गर्म करना है। तवा फुल गर्म हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से इसको साफ कर लूंगी ताकि तवे का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए। फ्लेम हम फुल ही रखेंगे, मीडियम नहीं करेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि तवे का टेम्परेचर थोड़ा नीचे चला जाए। इस तरह से फैला लेंगे। ये साइड से ब्राउन होगा तो इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। जब डोसा तवे को छोड़ देगा ये देखें साइड से ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसमें मैं अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी।
अब डोसे को मैं पलट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा ये पक जाएगा तो उसके ऊपर मैं ये मसाला डालूंगी डोसे का, ज्यादा नहीं डालना है। मसाला मैंने डाल दिया है, इसको मैं फोल्ड करूंगी। ये देखें रोल कर दिया मसाला डाल के, बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है। इसको मैं अब उतार लूंगी। इसी तरह से हम सारे बैटर का डोसा बना लेंगे। डोसा मसाला तैयार है कोकोनट चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार बना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए थम्स अप करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मोर वीडियोस और डिटेल इंग्रेडिएंट्स के लिए उम्मेस.किचन पर विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।